दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा इंटरनेट का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं इंटरनेट के इस्तेमाल से, और इसके नुकसान भी हैं। ज़्यादातर लोग को मैं देखा हूँ और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते तो हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि वो ऐसे फिजूल चीज़ों में लगे रहते हैं, ऐसे फिजूल चीज़ों को देखते रहते हैं, वीडियो हो, फोटो हो, कुछ भी हो, जिससे उनको कुछ फ़ायदा नहीं होता है और वो अपना समय अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, चाहे आप कोई बिजनेसमैन हो या कोई स्टूडेंट हो या कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी टैलेंट वाला काम करते हैं या कोई भी आप काम करते हैं, तो आपको उसी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहिए। उसी से रिलेटेड आपको साइट से गूगल पे है, वहाँ पे आप जाके पढ़िए, ताकि आपको आपके बिजनेस में ज़्यादा आपको नॉलेज हो और आप आगे बढ़ सकें। क्योंकि इस कंपटीशन के टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास अगर नॉलेज होगा तो आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकेंगे, अपने आप अपने काम को आप बढ़ा सकेंगे। मैं बहुत से लोगों को देखा हूँ जिनका नॉलेज बहुत ही कम था, लेकिन इसी इंटरनेट इसकी वजह से आज वो सबसे आगे निकल चुके हैं। दोस्तों, अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए और इंटरनेट के माध्यम से आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं। फिजूल को चीज़ों को छोड़ करके आपको इंटरनेट पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, बहुत सारे फ़ायदेमंद वाली चीज़ें भी मिलती हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे लगे हुए हैं, फ़ोटो अपना शेयर कर रहे हैं, लाइक उसमें देख रहे हैं कितना लाइक हुआ, कितना ये हुआ, तो उससे कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। हाँ, ज़रूरी है, इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपने काम को छोड़ करके अपने काम में पीछे हो जाएं। हाँ, कुछ मनोरंजन के लिए, कुछ टाइम पास के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल के इसको कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको टाइम अपने जो आपको जो बिजनेस करते हैं, जो काम करते हैं, उससे संबंधित आपको वीडियो से देखने चाहिए। आप व्हाट्सएप पे है, बहुत सारे लोग ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप पे बस इधर उधर की फ़ोटोज़ वीडियो आती रहती हैं, उससे कुछ मतलब नहीं है दोस्तों। आपको जिस लाइन में हो, आपका स्टूडेंट हो तो आप यूट्यूब पे है, गूगल पे है, उस अपनी पढ़ाई से संबंधित रिलेटेड आप वीडियोज़ देखिए और पढ़िए, ताकि आपका ज्ञान और ज़्यादा बढ़ सके और आप सबसे आगे निकल जाएं। क्योंकि इस कंपटीशन के दौर में आप हर कोई चाहता है कि मैं सबसे आगे निकल सकूं, तो यही एक इंटरनेट का माध्यम है। इस पर हर तरह की जानकारी आपको मिल जाएगी और इसके माध्यम से आप आगे निकल सकते हैं। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसी से संबंधित आपको वीडियो देखनी चाहिए इंटरनेट पर। जैसे मैं बता रहा हूँ, गूगल हो गया, गूगल पर बहुत सारी साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उससे आप पढ़ करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और आप अगर हेल्थ से संबंधित आपको वीडियो चाहिए तो उस पर मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, और इससे आप अपने हेल्थ को अपने थोड़ा हेल्थ से आप जागरूक हो जाएंगे कि हाँ, हमें किस तरह से खान पान करना है, किस तरह से अपने परिवार को उसमें देखना है, बच्चों को किस तरह से आप हेल्थ के बारे में भी नॉलेज कर सकते हैं। हर तरह की जानकारी आपको इंटरनेट मिल जाएगी। आप फिजूल चीज़ों को छोड़ करके आप ये सब जानकारियाँ आपको देखनी चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी हमारे वीडियो को, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल ऑल लाइफ टेक को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह से इंटरेस्टिंग और काम की वीडियो लाते रहते हैं जो आपके फ़ायदे की होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।